हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी ऑफ मार्च 2019 तो 27 मार्च 2019 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे बिफोर वी स्टार्ट आर द द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज द जोरवे कल्चर ऑफ एंशियट इंडिया हैज बिन नेम्ड आफ्टर साइट ऑफ द सेम नेम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तो जो जोरवे कल्चर था एंशियट इंडिया का उनमें से किस जगह से रिलेटेड है ऑप्शन ए राजस्थान बी गुजरात सी कर्नाटका या डी महाराष्ट्र क्वेश्चन नंबर टू इज ऑस्ट्रेलिया ग्रुप द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वॉज स्टैब्लिड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इनमें से किसको रोकने के लिए बनाया गया था ऑप्शन आर ए बैलिस्टिक मिसाइल्स बी न्यूक्लियर वेपन सी केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन या डी न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री इज द बर्न कन्वेंशन वॉज पाइनियर कन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ तो जो बर्न कन्वेंशन है वो इनमें से किस फील्ड का पानियर कन्वेंशन ऑप्शन आर ए प्रोटक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ बी प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ऑफ वॉर सी प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या डी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो यू कैन ऑल्सो फाइंड द लिंक टू जॉइन आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल एज गेट अवर पीडीएफ फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो सो यू कैन सी दैट ऑल्सो ओके लेट स्टार्ट विद्यूज एना पार्ट फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द सारदा केसारदा केस आपको पता एक है पॉन्जी स्कीम केस है तो लेट मी टेल यू समबाउट द पॉन्जी स्कीम बेसिकली होता क्या है पॉन्जी स्कीम्स में कि लोग पैसा कलेक्ट करते हैं डिपोजिटर से बाय क्लेमिंग दैट देव दी रिटर्न फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फिर हेरा फेरी देखी है तो सात दिन में पैसे डबल वॉज अ पोन्जी स्कीम ओके सात दिन में पैसे डबल बोलते हैं ना कि सात दिन में पैसे डबल तो पॉन्जी स्कीम्स वर्क कैसे करती है बेसिकली पहले वो फॉर वन एंड टू टाइम्स दे विल डबल मनी एज वेल फॉर एग्जाम्पल टेक रुपीज हंड्रेड फ्रॉम थ्री पीपल्स एंड अगर उन्होंने वादा किया कि वो डबल कर देंगे तो वो जैसे तीन लोगों से इकट्ठा किया तो सौ सौ रुपए इकट्ठा किया तीन सौ रुपए इकट्ठा हो गया थ्री हंड्रेड रुपीज नॉ फॉर वन पीपल दे विल गिव द टू हंड्रेड रुपीज बैक एक, एक व्यक्ति को दो सौ रुपए दे देंगे और हर ऐसे व्यक्ति को अपनी तरफ से पैसा लगा के एक दो बार वो दे देंगे देन पीपल विल गेन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस तो अगली बार वो हजार रुपए जमा करेंगे तो इस तरह से उनको हजार 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 मिलेगा और वो भी फिर उनको भी डबल करके दो हजार दो हजार दो हजार रिटर्न करेंगे नेक्स्ट टाइम विल पे लाख रुपीज नेक्स्ट टाइम विल पे टेन लाख रुपीज और जब इतना ज्यादा पैसा होगा तो वो एक साथ पूरा पैसा लेके रफू चक्कर हो जाएंगे बेसिकली दिस इज द दिस इज अ टाइप ऑफ पॉन्जी स्कीम इस तरीके से पॉन्जी स्कीम्स काम करते हैं तो शारदा स्कीम वॉज समथिंग लाइक दैट शारदा ग्रुप ने कलेक्ट के दिख रहा होगा आपको टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव नाइन करोड़ रुपीज फ्रॉम द पब्लिक इन्होंने जुलाई 2008 से अप्रैल 2013 के बीच में दो करोड़ रुपए इकट्ठा किए लोगों से और अभी भी इनको रिटर्न करना है नियरली नाइनटीन थाउजेंड ए वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी थ्री करोड़ इतना अभी इनको रिटर्न करना है इट इज ऑनली द प्रिंसिपल अमाउंट माइनस द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ओके तो ये होती है पॉन्जी स्कीम और ये स्कैम है पौंजी स्कीम का तो आई आई थॉट कि थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया जाए कि पौजी स्कीम्स क्या होती हैं अब आपको पता है जेट एयरवेज का इस समय इशू क्या चल रहा है जेट एयरवेज बहुत ज़्यादा परेशान है कैश क्रंच से बिल्कुल परेशान हो गई है एंड पे नहीं कर पा रहे हैं फोर्थ क्वार्टर लगातार इनको लॉस हुआ एंड देर नॉट एवल एबल टू पे इवन द सैलरीज देर फोर कल गोयल जी जो थे जो इनके फाउंडर थे कह सकते हैं आप एक तरीके से तो उन्होंने स्टेप डाउन किया है फ्रॉम द पोस्ट

इस न्यूज में आपको एनएसए के बारे में बताना तो बिल्कुल जरूरी ही है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या कब आया था बेसिकली तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इज स्ट्रिंजेंट लॉ दैट प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मंथ्स इफ अथॉरिटीज आर सेटिसफाइड दैट अ पर्सन इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट है या फिर नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट है तो उस व्यक्ति को बारह महीनों के लिए आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट टेलिंग हिम द कॉज एंड ऑल ओके तो ये होता है बेसिकली द पर्सन डज नॉट था बेसिकली तेईस सितंबर उन्नीस सौ अस्सी को आया था एंड द पर्पज इज टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टन केसेस एंड मैटर्स कनेक्टेड तो प्रिवेंटिव डिटेंशन देने के लिए देखो जो लोग ये कंफ्यूज हो रहे होते हैं कभी कभी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो फंडामेंटल राइट्स में दिया उसमें तो तीन महीने का ही टाइम दिया गया है तो दैट इज समथिंग एल्स वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है कि कोई आपको नॉर्मल तीन महीने से ज्यादा इस तरीके से नहीं कर सकता है अगर करेगा तो उसको किसी कोर्ट के सामने ऐसा ऐसा करना पड़ेगा प्रूव करना पड़ेगा तो दैट इज समथिंग डिफरेंट दैट इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट ओके दिस इज अ एक्ट ये एक्ट है ये लीगल स्टेट्यूट है जिसके अंतर्गत तो कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं तो एक्ट के अंदर इस तरह के प्रोविजन बनाए जा सकते हैं ऐसे याद रखेगा टल राइट गेटी फिर अपलाइड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूरे इंडिया में ये एन एस एक्ट है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर तो यह भी आप याद रखेगा एंड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर्सन कैन भी डिटेन विदाउट चार्ज फॉर ट्वेल्व मंथ बिना किसी चार्ज के आपको 12 महीनों के लिए डिटेन किया जा सकता है रखा जा सकता है कस्टडी में है ना तो स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू बी इंफॉर्म दैट पर्सन हैव बीन डिटेन द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है अ पर्सन डिटेंड अंडर एन एस ए कैन बी हेल्ड फॉर टेन डेज इवन विदाउट टेलिंग हिम द चार्ज तो दस दिनों तक तो आप उसको ऐसे ही पकड़ सकते हो इवन विदाउट टेलिंग हिम कि क्यों आपको ऐसा रखा गया है ना तो द डिटेन्ड पर्सन कैन अपील बिफोर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट बट देर नॉट अलाउड अ लॉयर इन द ट्रायल ओके दीज आर द थिंग्स विच आर देयर अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस आपको समझ में आ गया होगा आई होप है ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस आगे की तरफ मूव करते हैं यहां पे बीजेडी सिंबल प्रमोट्स फोक डांस फॉर्म ओके okay, तो यहां पे बेसिकली एक डांस फॉर्म है जोड़ी सांख्य जोड़ी सांख इज फ्रॉम द गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा तो ये नाम याद रखिएगा जोड़ी सांख्य एंड जोड़ी साख इज द ट्रेडिशनल फोक डांस फोक डांस ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा एंड दिस डांस फॉर्म हैड अ मार्शल आर्ट बिगिनिंग एज इट नीड्स हाई स्टेमिना तो मार्शल आर्ट्स की इसमें फाउंडेशन में देखिए तो मार्शल आर्ट्स की, तो तो की बिगिनिंग है इसकी जोड़ी सांख्य नाम है कलरफुल बहुत ज्यादा कलरफुल ऐसे अटायर या ड्रेस पहनी जाती है इसमें एंड मार्शल आर्ट की इसकी बिगिनिंग है नाम है जोड़ी सांख्य उड़ीसा गंजम डिस्ट्रिक्ट दीज आर दैक्ट रिलेटेड टू दिस प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैन ओके तो याद रखिएगा अब आगे मूव करते हैं देखते हैं क्या न्यूज आइटम और है कमिंग सून अर रोबोट टू क्लीन सेप्टिक टैंक तो बेसिकली अभी तमिलनाडु में छह लोगों की मौत हो गई है जस्ट फॉर क्लीनिंग ऑफ द सेप्टिक टैंक्स उसमें एंटर करने के बाद उन्होंने साफ सफाई करते समय उनकी छह लोगों की जा, जाने गई थी सो फॉर दैट रीजन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड एंडेसर्स इन आई मद्रास बेसिकली आई मद्रास में यह रिसर्च चल रहा है टू डेवलप अ रोबोट फॉर क्लीनिंग द सेप्टिक टैंक्स ओके तो उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक कटर बनाया है दे हैव डेवलप्ड इन द फर्स्ट स्टेप दे हैव डेवलप्ड अ कटर दैट कैन द होमोजेनाइज द स्लज तो स्लज को होमोजेनाइज करने के लिए फिर बाद में उसको सकआउट कर सकते हैं आप तो स्लज सकर्स बेसिकली स्लज को होमोजेनाइज करने के लिए कटर्स उन्होंने डेवलप किए हैं अभी और वो रोबोट बनाने वाले हैं ओके okay, तो मेन कंसर्न जो है वो है कॉस्ट का कंसर्न है थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है दस पंद्रह लाख का लग रहा है तो दिस इज द कंसर्न लेकिन अदरवाइज दे आर डेवलपिंग अ रोबोट टू क्लीन द सेप्टिक टैंक्स एंड दिस कैन बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव ओके तो लोग अगर ना इंटर करेंगे तो दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव स्टबल वर्निंग मिनेस इमर्जेस इन कुट्टनाड तो कुट्टनाड बेसिकली जो है इट्स राइस बोल ऑफ केरला इसको राइस बोल ऑफ केरला बोलते हैं कुट्टनाड को एंड रिमेम्बर दैट यहां पे भी शुरू हो गई है अब द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल वर्निंग तो जो नॉर्थ की प्रॉब्लम थी वो फैलते फैलते वो कंटीग्यूस होते होते फैलते फैलते वो साउथ इंडिया में भी आ गई है ओके एंड दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड दिस स्टबल बर्निंग तो स्टबल बर्निंग के कारण क्या क्या होता है आप सबको पता है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है जो पीएम है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है लेवल ऑफ एयर बहुत ज्यादा क्वालिटी एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है और दिस इज अ मेजर रीजन फॉर पॉल्यूशन इन द डेली रीजन तो केरला में भी अब ये शुरू हो गया है तो साउथ इंडिया को भी अभी हो सकता ये, uh, है ये नुकसान पहुंचाएं कुछ फायदे भी होते हैं क्रॉप बर्निंग के जैसे कि लोग बोलते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी को अगर रीगेन करना है तो दैट इट कैन डू सॉइल टिलिटी को रिगेन करने में ये हेल्पफुल रहता तो दीज आर द थिंग्स आ... कुछ सोल्यूशन दिए गए स्टबल बर्निंग के लिए सोल्यूशंस फॉर स्टबल बर्निंग आर गवर्नमेंट शुड इंकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो गवर्नमेंट को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए बोलना चाहिए एंड लेबर शॉर्टेज को एड्रेस करना चाहिए क्योंकि जो मेन इशू है क्रॉप ये स्टबल बर्निंग में स्टबल को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है और यहां पर इतनी लेबर अवेलेबिलिटी है नहीं तो इसी लेबर शॉर्टेज को भी एड्रेस करना जरूरी है देन हैप्पी सीडर्स हैप्पी सीडर्स और इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए एंड देन यू शुड डेवलप Uh, की तरह नहीं कर सकते हैं. क्यों क्योंकि उसमें हाई सिलिका कंटेंट होता है पैडी स्टॉक का यूज आप बायोमास जनरेशन के लिए कर सकते तो बायोमास जनरेशन के लिए सलूशन so okay? so भी दिए हैं बस फॉलो करने की देरी है देन इंडियन इंडियाज कार्बन तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिपोर्ट निकाली है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तो आप इसको कोट भी कर सकते हैं देर है तो राइज हुआ है पांच परसेंट का कार्बन डाइक्साइडिशन में इन इंडिया एंड इंडियाज एमिशन ग्रोथ वॉज हायर देन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन चाइना एज वेल तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ चाइना से भी ज्यादा एमिशन की ग्रोथ थी इस साल हमारी इंडिया की फाइव ज्यादा थी फाइव हमारी ग्रोथ थी ओके सो दैट इज द थिंग और चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता कि है कि वन ऑफ द बिगेस्ट एमीटर्स हैं टू बिगेस्ट एमीटर्स हैं चाइना यूएस एंड चाइना तो ये उसके बाद इंडिया ने है लेकिन अभी जो अगर आप देखें ट्रेंड पिछले एक साल का तो हमने सबसे ज़्यादा निकाला है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फाइव हमारा राइज हुआ है ओके सो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर आगे और कुछ इसमें बातें लिखी गई हैं जैसे कि इंडिया ने कमिट किया था कि 2030 तक इट विल रिड्यूस द अमीशंस इट विल रिड्यूस द दमीशंस इंटेंसिटी बाय 2030 थर्टी कम्पेयर टू टू थाउजेंड लेवल्स दो हज़ार लेवल्स से हम घटा देंगे फिर हमने बोला था कि हम चालीस एनर्जी रिन्यूबल सोर्सेज से यूज़ करेंगे दो तक इसके लिए हमने हंड्रेड गीगा वाटर सोलर एनर्जी डेवलप करने का वादा किया था बाई ट्वेंटी तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उसके बीच में हम ये है ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन याद रखिएगा द ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी याद रखिएगा निकालती है इंटरनेशनल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में भी आपको बताएंगे तो याद रखेगा इसके बारे में इट्स अ पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच विच वॉज स्टैब्लिड इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओ के फ्रेमवर्क में बनाया गया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पेरिस बेस्ड है याद रखेगा कहां की बेस्ड है पेरिस की बेस्ड है ना तो ये भी याद रखेगा और कब बना था ये 1974 में बना था देखो तो, तो, तो एक, -एक चीज बता रहा हूं दिमाग में नोट करके ले लो क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होना चाहिए है ना तो मेरी बात ये नोट करके लिख लो मुझे मतलब नहीं कि आप कैसे याद करते हैं लेकिन याद जरूर रखना है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात कर रहे हैं ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन की हमने बात की अभी कि कहाँ राइज हुआ है इंडिया में पाँच परसेंट राइज हुआ है चाइना यूएसए से भी ज़्यादा था ये कोट करिएगा इट्स अ पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि, कि किसके फ्रेमवर्क में बना है ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क में बना है कब बना है 1974 में बना है

नर्जी सिक्योरिटी सेकेंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड थर्ड इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन तो इन तीनों चीजों को देखता है प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज थ्री थिंग्स ओके आई होप आपको क्लैरिटी आ गई काफी समझ में आया होगा गवर्नमेंट हेज़ नोटिफाइड न्यू रूल्स फॉर ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स तो गवर्नमेंट ने नए रूल और क्लिनिकल ट्रायल्स और ड्रग्स के लिए नोटिफाई किए हैं इसको बोलते हैं ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 इसमें क्या होगा बेसिकली जो अप्रूविंग अप्रूवल की टाइम लाइन है उसको रिड्यूस कर दिया गया है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडियन मैन्युफैक्चर ड्रग है तो उसका जो अप्रूवल का टाइम है वो तीस दिन कर दिया गया है और कोई अगर फॉरन डेवलप्ड है उटसाइड द कंट्री डेवलप्ड ड्रग है तो उसको नाइन्टी डेज के अंदर अप्रूव करने की बात की गई है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया रिप्लाई नहीं करता है तो उसको अप्रूव माना जाएगा अगर इस, के कोई रिप्लाई नहीं आता है डीजीसीए से तो ड्रग को अप्रूव माना जाएगा तो थर्टी डेज फॉर द इंडिजिनस यानी कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया नाइन्टी डेज फॉर दोचर्ड इन समर कंट्रीज ओके आउटसाइड इंडिया दूसरा ये कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स है लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर दो ऑलरेडी अप्रूव्ड इन कंट्रीज लाइक ई यू यूके ऑस्ट्रेलिया जपान एंड ये सारी कंट्रीज में अगर कोई ड्रग ऑलरेडी यूके ऑस्ट्रेलिया जापैन और यूएसए में अप्रूव्ड है तो उसका फिर क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे लोकल क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं है दिस इज ऑल्सो एज पर द रूल्स द न्यू रूल्स विल इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड एथिक्स कमिटी विल मॉनिटर द ट्रायल्स एंड डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन तो एथिक्स कमिटी बनाई जाएगी जो कि देखेगी कि क्या क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट है और कितना कंपनसेशन होना चाहिए सो दीज आर दिंग्स विच आर देयर एंड ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी ये भी इंपॉर्टेंट था मैक्सिमम गैम्बेट बेसिकली जो ये आर्टिकल है ये है न्यूनतम आय योजना के ऊपर जो कांग्रेस ने किया है अब कांग्रेस ने बोला है कि हम बहत्तर हजार रुपए देंगे प्रतिवर्ष मतलब छह हजार रुपए प्रति माह देंगे फॉर द ट्वेंटी परसेंट ऑफ द पुअरेस्ट फैमिलीज तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हाईलाइट की गई आर्टिकल है पहली की आपके पास इतना पैसा कहां से आएगा हाउ द स्कीम विल बी फाइनेंस दिस इज नॉट क्लियर कि आप कैसे फाइनेंस करोगे इतना पैसा आप कहां से लाओगे सेकंड थिंग इज दैट की ये क्लियर नहीं है कि ये जब न्यूनतम आय योजना लागू होगी तो क्या बाकी की सब्सिडीज बंद हो जाएंगी या उसके ऊपर ये मिलेगा

काम का हो सकता है दूसरा कि जो बिल्कुल गरीब हैं ट्वेंटी परसेंट पोरेस्ट है उनकी हेल्थ एजुकेशन एंड डेटनेस की जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद रहेगी ओके okay, तो हो सकता है तीसरी चीज ये भी बेनिफिट हो सकता है कि इट कैन पर डिमांड एंड ग्रोथ तो जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो ग्रोथ बढ़ेगी कंजम्पन डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी को ही फायदा होगा अब ब्रिज टू नो बेसिकली आर्टिकल है ये है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स के ऊपर देखो ये बेसिकली आर्टिकल लिखा गया आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के ऊपर मैं एक आपको इशू बताऊंगा अभी रिसेंटली हुआ ये था इसमें एयरटेल का बताया गया कि एक कुछ का पैसा आने वाला था कुछ सब्सिडी का जो पैसा आने वाला था वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द बैंक एयरटेल वॉलेट में चला गया जैसे कि आपने यूज किया होगा ना एयरटेल वॉलेट आपने पेटीएम वॉलेट ये मोबीक्ट वॉलेट फ्रीचार्ज वॉलेट है ना आजकल तो ये सारे वॉलेट सिस्टम शुरू हो गए हैं तो पैसा अगर वॉलेट में रहेगा तब तो आपके किसी काम का नहीं क्योंकि आप फिर उसी साइट में इसको यूज कर सकते हो हुआ ये कि लोगों का सब्सिडी का पैसा था और वो एयरटेल वॉलेट में चला गया इंस्टेड ऑफ इन टू द बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट में ना जाके वो एयरटेल वॉलेट में चला गया अब देखो इशू क्या है बेसिकली इसको बोलते हैं डाइवर्टेड पेमेंट दिस इज नोन एज डाइवर्टेड पेमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देखो बहुत प्यारा आर्टिकल है मतलब कुछ आर्टिकल जिनको पढ़ के आंसू निकल लगते हैं वैसा आर्टिकल है मजा आ गया तो इसे कहते हैं डाइवर्टेड पेमेंट्स डाइवर्टेड पेमेंट्स मतलब कि आपका पैसा आना किसी अकाउंट में चाहिए था लेकिन चला गया आपके ही किसी दूसरे अकाउंट में विदाउट इवन योर कंसेंट मतलब आपके ही अकाउंट में गया लेकिन अब वो गया कहाँ पर एयरटेल वॉलेट में चला गया जो कि किसी काम का नहीं है कि आप हमेशा डी रिचार्ज और मोबाइल की सिम रिचार्ज करते रहोगे उस पैसे से सब्सिडी के पैसे से ऐसा तो बिल्कुल तो नहीं है तो वो इशू हो गया तो इसको बोलते हैं डाइवर्टेड पेमेंट इशू इट गोज द पेमेंट गोज रिडाटेड टू अ रॉन्ग अकाउंट विदाउट द रिसपियंट कंसेंट और नॉलेज ये होता है ठीक है सेम हुआ कुछ जगहों पे मनरेगा कि पेमेंट में होता है कुछ जगह इसी तरीके से डेट जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है तो वो इस बहुत सारी चीजें हो रही है द मेन कल्प्रिट फॉर दिस इज आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम अब देखो ये मेन कल्प्रिट है एपीबीएस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम तो अब मैं आपको पहले थोड़ा आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम समझा दूं इट्स एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की देन आप बोल सकते हैं इसको एंड इसमें होता क्या है बेसिकली इंस्टेड ऑफ योर बैंक अकाउंट नंबर इंस्टेड ऑफ योर आई कोड वो बोलते हैं कि ठीक है आप हमको सिर्फ अपना आधार कार्ड दे दो है ना आधार कार्ड नंबर दे दो और उस नंबर से जो अकाउंट लिंक होगा उसमें पैसा चला जाएगा ठीक है अब अब मेरी बात समझ रहे ना इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है पहला तो कि आपके पहलाई मैपर से जो कि मैपिंग करता है मैपिंग की प्रोसेस करता है अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना समझना है इसको ध्यान से होता क्या है जब मल्टीपल अकाउंट होते हैं सेम पर्सन के फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं मेरे आधार नंबर से वॉलेट भी अटैच्ड है मेरे आधार नंबर से मेरा अकाउंट नंबर भी अटैच्ड है मेरे आधार नंबर से अलग अलग ऐसे हंड्रेड हंड्रेड ऑफ थिंग्स आर देयर विच आर कनेक्टेड विद दैट होता क्या है कि अगर इस तरह का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है पीबीएस के थ्रू तो वो ऑटोमेटिकली मनी उस अकाउंट में जाती है जो लेटेस्ट मैप्ड अकाउंट है आपका दैट इज द इशू जो लेटेस्ट मैप्ड अकाउंट है उसमें पैसा चला जाता है इसलिए हो सकता है कि एयरटेल वॉलेट वाला जो अकाउंट था वो लेटेस्ट मैप्ड रहा हो और वो इशू से पैसा वहां चला गया तो दैट दैट इज इज द द इशू 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 गोइंग ऑन पेमेंट का काहे के कारण हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेगा अब ऑथर ने प्रॉब्लम क्या अकाउंट इसमें बोली है प्रॉब्लम यह है इसके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम है देखो क्या होता है कि एक तो वाईसी कराना पड़तावाई सी कराना पड़ता है जो इस तरह के अब ई पेमेंट सिस्टम आ गए उसमें केवासी का एक प्रॉब्लम है केवाईसी कंपलसरी हो गया जिसके कारण बहुत सारे लोग एक तो केवासी करा नहीं पा रहे क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं कि केवासी क्या होता है कुछ लोग को यही नहीं पता कि कैसे करना है और कुछ लोगों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है दूसरा कि इस तरीके का डायवर्टेड पेमेंट के कारण लोग यूज नहीं कर पा रहे दे आर दे आर लूजिंग द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम उनका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस भी सिस्टम पे नहीं रहा है और अगर पैसा इस तरह से गलत जगह पे चलाता है देन दे हैव नो रिकोर्स

बारिंग आर्म्स दिस आर्टिकल बेसिकली वाज़ ऑन बैनिंग ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स इन न्यूजीलैंड आफ्टर क्राइस्ट अटैक और इसमें एक चीज और लाइन और याद रहेगा इन यूएसए राइट टू बियर आर्मस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप याद रख सकते हैं right right. वहां पर बहुत सारे इशूज ऐसे होते हैं कि जहां पर गोली चलाई जाती है बच्चे छोटे बड़े बूढ़े बार में घुस गोली चला रहे हैं तो ये सारी सिचुएशन वहां बहुत ज्यादा होते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन न्यूज में आया था लेटमी टेलि वट वॉट इज साइमटेनियस इलेक्शन साइमल्टेस इलेक्शन मीन होल्डिंग इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट साइमलटेनियसली uh, okay? एक बार में ही दोनों इलेक्शन एक साथ करा लो लोकसभा के भी और स्टेट असेंबली के भी और एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन यूज टू बी हैपनिंग इन इंडिया टिल है 1967 तक ये इलेक्शन इंडिया में ऐसे ही होते थे ही होते थे है ना ये याद रखेगा और ये प्रैक्टिस टब बंद हुई जब स्टेट असेंबलीज असेंबली प्री मेच्योरली तो बहुत ज्यादा स्टेट असेंबलीज को जब प्री मैच्योर डिजोल्व करने लगे तो ये फिर अलग अलग इलेक्शन की प्रोसेस शुरू है अदरवाइज ये सिक्सटी तक एक साथ ही होता था ओके दैट इज ऑल्सो आई थिंग विच इज देयर याद रखेगा लेट्स मूव टू दिस पेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स फिर से न्यूज आए न्यूज में आया है कि नाइनटी फाइव परसेंट जो इलेक्टोरल कलेक्शन था वो किसी एक ही पार्टी के लिए गया है जो रूलिंग पार्टी है इसको बंद करने की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से तो इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या बेसिकली बताया गया था एंड इट मेक्स इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव सच अ यूनिक बॉन्ड फॉर इलेक्टोरल फंडिंग इंडिया पहली कंट्री जिसमें इस तरह की फंडिंग का सिस्टम है इसमें होता क्या बेसिकली बॉन्ड्स आर लाइक बी एर आर इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड इंटरेस्ट फी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट डेट इन इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से आप बोल सकते हैं बॉन्ड की तरह होते हैं एंड यहां पे हजार दस हजार एक लाख दस लाख या एक करोड़ तक की अलग अलग मल्टीपल्स में आप यूज कर सकते हैं के होना चाहिए आपको

लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस आगे की तरफ मूव करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड पेज है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है

इन्फ्यूज करना चाहते हैं मार्केट में लिक्विडिटी कब इन्फ्यूज होगी तब ज्यादा रुपया बाहर आएगा मार्केट में आएगा देर फोर दे आर अस डॉलर्स एंड वी विल गिव यू रूपीज नाउ अ सिमिलर रिवर्स ट्रेड विल हैपन इन अ फ्यूचर डेट दिस इज फोर एक्स फैब दो अलग अलग डेट्स में टू डिफरेंट डेट्स होती हैं एंड वहां पे रिवर्स ट्रेड होता है मतलब एंड इन अचर डेट फॉर एक्साम्पल इन दिस गर्स इट इज थ्री इयर्स आफ्टर दिस टू थाउजेंड नाइनटीन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दे गिव अमाउंट ऑफ डॉलर एंड दे विल रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज फ्रॉम द बैंक ओके तो याद रखेगा तो अभी ऑप्शनिंग के लिए उन्होंने रखा था

थ्री टाइम्स दिस अमाउंट ओके तो तीन गुना ज्यादा उनको मिला देर फोर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो फोर एक्स वैप का uh, एक जो था इशू वो अच्छा चला गया मतलब uh, लोगों ने काफी अच्छे से उसको रिसीव किया बैंक्स ने काफी ज्यादा उसमें बिडिंग लगाई है सो so, दिस इज फोर एक्स वैप ओएमो आपको पता होना चाहिए ओपन मार्केट ऑपरेशन भी इसी तरीके का एक ऑपरेशन होता है लेकिन उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी या बेची जाती है तो बेसिकली ओ एम ओ भी सेम चीज़ है लेकिन वहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको बेचा जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करनी है तो वाट दे विल डू दे विल बाय द गवर्मेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक मतलब कि दे विल टेक द गवर्मेंट सिक्योरिटीज एंड गिव द रुपीज एंड सपोज इफ दे वॉन्ट टू रिड्यूज द मनी सप्लाई फ्राम द मार्केट देन वॉट दे विल डू देल सेल द गवर्मेंट सिक्योरिटीज मीन दे विल गिव द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द बैंक एंड रिसीव द मनी तो यहां से इस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं रुपीज को इन द मार्केट दट इज वन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस लेट फाइनेंस कमिशन फंक्शन दे इट डज नाउ फाइनेंस कमिशन के बारे में बता देता हूं टू एट्टी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फाइनेंस कमिशन एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी क्वासी जुडिशल बॉडी है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है इट इज कंस्टिट्यूट आफ्टर एक्सपायरी फिफ्थ ईयर पांच साल के बाद इसको प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है

एडवाइजरी बॉडी है बेसिकली और बताती कि कैसे आपको शेयर करना है फार्म लोन वेवर क्रेडिट कल्चर दिस रघुराम राजन दिसुराजन कि फार्म लोन वेवर जो बार बार कह रहा है क्रेडिट कल्चर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है लोगों की आदत बन जाती है एंड दे टेक लोन्स इन ऑर्डर टू वेव ऑफ तो लेते इसीलिए इसलिए उनको पता रहता है कि गवर्नमेंट जब इलेक्शन आएगा तो वेव ऑफ कर देंगे और ये सब बहुत चीजें बुरी हैं और यहाँ पे लॉन्च कर रहे थे रघुराम राजन अपनी किताब तो उनकी किताब का नाम याद द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड ओके हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड द थर्ड पिलर दिस इज द नेम ऑफ द बुक तो अगर आप सब पूछे द थर्ड पिलर बुक किसने लिखी अभी रिसेंटली रघुराम जी राजन ने लिखी है ये किताब तो